नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माने तुला नेट जारअप चैनल पर। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो छात्र पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में आना चाहते हैं, प्रोफेसर बनने का सपना है, तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। साथियों, अब पीएचडी के लिए आपको 25,000 रुपये पर मंथ प्रति माह फेलोशिप मिलेगी और ये मुख्यमंत्री न्यू फेलोशिप स्कीम के तहत आई है। अब किन लोगों को मिलेगी और कितना मिलेगी, ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए, देखिए 25,000 है और कुछ स्कीम के लिए कुछ और है, तो एक एक चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने 2 बार नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। तो पीएचडी एडमिशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी यूजीसी नेट सेट की अगर प्रिपरेशन आप फ्री में करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ये जो न्यूज़ है ये निकल के आई है झारखंड से। अब देखिए, अब झारखंड में ऐसा मिल रहा है तो उसको देखा देखिए दूसरे स्टेट में भी मांग होगी कि जब झारखंड जैसा छोटा राज्य रिसर्च को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है तो आप क्यों नहीं। साथियों, आज अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 है। क्यों है? रिसर्च के कारण, क्योंकि वहाँ रिसर्च के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। आप जिस यूट्यूब पर, जिस गूगल और इंटरनेट के माध्यम से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो गूगल कंपनी है, जो यूट्यूब कंपनी है, अपने रेवेन्यू का 60% रिसर्च पे करती है, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कि कैसे और हम इसको स्मूथ करें और लोगों के बीच पॉपुलर करें और लोगों की समस्याओं को सुलझा सके। तो एक रिसर्च ही है जो कि समस्याओं को सुलझा सकता है और किसी भी देश को दुनिया का विश्व गुरु बना सकता है। साथ अमेरिका, चीन या पश्चिम के देश जो हैं, वेस्टर्न कंट्री, इतने तरह किस लिए करें कि वहाँ पर रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च है और रिसर्च पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक रिसर्च नहीं होगा। तो ये झारखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि आप सभी स्टूडेंट को, जिनका कि नेट है या नेट नहीं भी है, उनको भी, जेआरएफ वालों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 से 50,000 रुपए पर मंथ मिलती है, हम लोगों को भी मिल रही है, और एसआरएफ हो जाने पर तो ये 60,000 तक पहुंच जाती है, चारे और कंटीजेंसी को जोड़ दें तो। लेकिन अब है कि बिना नेट वाले का, बिना जेआरएफ वाले को भी फेलोशिप दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च की दुनिया में आ सकें। तो देखिए, यहाँ पर अभी 1,000 विद्यार्थियों को हर माह 25,000 रुपये मिलेंगे और ये जो है 4 साल के लिए मिलेगा, ठीक है, और ये CM फेलोशिप योजना के तहत दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में रिसर्च वर्क करने को दिया जाएगा और इस योजना का लाभ सिर्फ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई UGC नेट पास है, JRF नहीं है, फिर भी मिलेगा, नेट भी पास नहीं है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, फिर भी मिलेगा, लेकिन झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है तो 22,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, नेट पास है तो 25,000 रुपये आपको फेलोशिप के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सारा डिटेल दिया हुआ है कि UGC नेट सिर्फ है, JRF नहीं, JRF वाले को तो मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 से 50,000 के बीच में। अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है सो बड़ा शहर में है तो वहाँ 50,000, छोटे शहर में है तो 45,000 के आसपास आपको मिलता है, ठीक है। और झारखंड पात्रता परीक्षा पास को 22,500 रुपये मिलेंगे और अगर आप अपना रिसर्च पेपर जो है विदेशी संस्था में अगर कहीं छपाते हैं तो 2,00,000 रुपये तक मिलेंगे और UGC केयर वगैरह इस तरीके से इंडियन संस्थानों में रिसर्च पेपर प्रस्तुत होता है तो 50,000 रुपये मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साथियों, ठीक है। PhD करने वाले UGC नेट छात्रों को मिलेंगे 25,000 और JTET को मिलेंगे 22,500, ये झारखंड के लिए है। तो आप झारखंड से मिलने लगेगा तो हर राज्य के ऊपर दबाव बनेगा और हर राज्य जो है जो नेट नहीं पास कर सकते उन सबको भी फेलोशिप देंगे और रिसर्च का एक माहौल अपने में क्रिएट होगा। तो साथियों, आपको ये कैसा लगा, हर राज्य को ये शुरू करना चाहिए या नहीं शुरू करना चाहिए, आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।